अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है हमारी, पाकिस्तानी हिंदू, बलोची, डॉक्टर, ये वो सारी कॉम्बिनेशंस हैं जो मुझे तो अभी तक नहीं टकरे थे, तो आज टकरे हैं। तो हमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने अपना टाइम लिया, निकाला और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया कि सबके सामने आएँ और बोलें। और इन्होंने एक सबसे पहले छूटते ही मुझसे सवाल किया, आप कर क्यों रहे हैं, ये क्या ये कर क्यों रहे, क्यों बात करनी है आपको, सबके सामने क्यों आना है। तो उसकी वजह ये है कि डॉक्टर शारन, हाउ डू यू से योर नेम, सही नाम किस तरह से लेते हैं हम? डॉक्टर नवीता। डॉक्टर नवीता, ओके। सो डॉक्टर नवीता ने कहा कि को मैं बता रहा था कि वजह ये है कि 99% जो मुसलमान हैं मैट्रिक पास, वो हिंदुज़म के बारे में या हिंदुओं को नहीं जानते। और 99% मैट्रिक पास अगर हिंदू होगा तो वो अस्सलाम वालेकुम भी करता होगा, बिस्मिल्लाह भी करता होगा, अल्लाह को भी अल्लाह अकबर भी बोलता होगा, उसको मुसलमानों के बारे में सब कुछ जानते होंगे। बल्कि ये कह रही थी कि मुझे एक जगह प्रॉब्लम आई तो मैंने उनको कलमा सुनाया तो प्रॉब्लम से मेरी जान भी छूट गई और मैं पास हो गई इस प्रॉब्लम में। तो वेलकम डॉक्टर नवीता, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं। मैं डॉक्टर नवीता हूँ, मैंने अभी ही अपनी हाउस जॉब ख़त्म की है JPMC से और अभी मैं एक DHQ में काम कर रही हूँ बलूचिस्तान में। ओके, तो आप बलूचिस्तान में पैदा हुई या कहाँ पैदा हुई? पाकिस्तान नहीं, मैं पैदा में कराची में हुई हूँ। मैं अपनी स्टडीज के लिए बलूचिस्तान चली गई थी कोयटा में अपनी MBBS के लिए। ओके, तो कोयटा में क्या अच्छे डॉक्टर बनाते हैं, कराची में खराब ही? नहीं, मेरा डोमिसाइल जो था वो वहाँ से बलूचिस्तान से था, इसीलिए मेरा एडमिशन वहीं पर ही हुआ। वहाँ आसानी से हो गया। अच्छा, तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुओं को भी नहीं जानते और बलोचियों को भी नहीं जानते, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ 2 मिलियन लोग रहते हैं, 200 मिलियन में क्या 1% पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बलोची है। सो थोड़ा सा बताएं बलूचिस्तान के बारे में। अभी आपने मुझे बताया कि हंगोल में एक इवेंट होने वाला है, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो एक इवेंट होने वाला है जिसको कहते हैं हिंगलाज यात्रा, वो है 26, 27 और 28 को। ये होगा हिंगोल नेशनल पार्क के नाम से, ये जगह बहुत मशहूर है और हम लोग इस जगह को बोलते हैं हिंगलाज यात्रा। ये ग्वादर की तरफ है ये जगह और काफ़ी मतलब वहाँ पे 12,000 से 13,000 तक के हिंदू लोग जो हैं वहाँ पर ज़रूर आते हैं। सिर्फ कराची से 4.5 घंटे की ड्राइव है, 3 दिन का मेला है। किसका मेला कहते हैं उसको? नहीं, ये 4.5 घंटे की ड्राइव तो नहीं है, 6 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। अच्छा, मैं समझा था हेलीकॉप्टर भी जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, 4.5 घंटे हेलीकॉप्टर में तो पहले ही पहुँच जाएंगे। अच्छा, 4.5 घंटे की, 6 घंटे की ड्राइव है और 3 दिन का मेला है। हाँ, 3 दिन का मेला है। तो वो है मतलब आपका मेला स्टार्ट होता है कराची स्वामीनारायण मंदिर, एक जगह है वहाँ से, अक्सर वहाँ से लोगों का ट्रांसपोर्ट जाता है और उसके बाद ये लोग हैं एक बलूचिस्तान में एक जगह है लयादी के नाम से, वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद एक चंद्रगुप के नाम पे एक स्टेशन आता है उन लोगों का, जहाँ पे एक मड वॉल्केनो है। तो वो वहाँ पे लोग जो हैं हिंदू लोग वहाँ पे चढ़ रहे होते हैं उस वॉल्केनो पे। और उसके अलावा फिर ये आपका दूसरा स्टेशन आता है अगोर, फिर गणपति, तो वहाँ से आपकी पूरी यात्रा स्टार्ट होती है। तो आपने बताया कि वहाँ पे रहने का जो इंतज़ाम है वो किस तरह से होता है? रहने का इंतज़ाम वहाँ पे इस तरह से होता है कि वहाँ पे काफ़ी रूम्स है, वहाँ पे लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो मुश्किल होता है वहाँ पे रहना। पर यह है कि आप वो जो थोड़ा सा टाइम होता है आप बहुत इंजॉय कर लेते हो उस टाइम को। तो क्या टेंट लेके जाएं या क्या बिस्तर लेके जाएं, किस तरह से करें? हाँ, आपको ये मतलब अपने टेंट अगर आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, पर वहाँ पे आपको रूम्स मिल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी सारी है, वहाँ पे इंतजामिया है, आप उनसे बात कर सकते हो कि हमें रूम चाहिए तो वो आपको रूम की दे देंगे सब कुछ। तो 12,000 लोग कैसे, कितने कमरे हैं भाई वहाँ पे जो 12,000 लोग लगे रह जाएंगे? 12,000 नहीं, वहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस है, 12,000 लोग हैं, पर ये नहीं कि हर रूम, हर बंदे को आप अलग अलग रूम दे रहे हो, वहाँ पे बड़े बड़े हॉल होते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को एडजस्ट करना होता है। जैसे हज पे जाते हैं हम लोग तो सब लोग लेट जाते हैं, इसी तरह वहाँ पे भी होगा क्या? हाँ, ऐसे ही होगा। अच्छा, सही है। तो मैं तो जा रहा हूँ, तो मेरा तो पक्का हो गया, आपने मुझे 3 दिन के लिए। हाँ, और वहाँ पे लाइक हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल नहीं है, एक क्लिनिक भी है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपको डॉक्टर की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है अगर कुछ भी होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग यात्रा के लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और
कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो आपने बताया वो और जो एम्बुलेंस। कि वो क्लिनिक जी आपके जी फादर चलाते हैं माशाल्लाह। मेरे फादर नहीं, मतलब उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, सब मिलके वहाँ पे सबकी हेल्प कर रहे होते हैं। जबरदस्त। अच्छा तो लाइक ये 1992 से वो करते आ रही है। जबरदस्त। आपने बताया कि आप जब बड़ी हो रही थी तो पढ़ाई के लिए अक्सर जगहों पे आप अकेली होती थी, यानी कि तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अकेली होती थी हाँ, जब जैसे मैं कोयटा में थी तो वहाँ पे मेरी हॉस्टल लाइफ थी, तो हॉस्टल में मैं एक ही हिंदू थी, मेरे साथ कोई और दूसरी हिंदू नहीं थी। तो जैसे आपने पूछा कि आप लोग जो हैं यहाँ पे मतलब हिंदुओं को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, आप मुझसे इनिशियली यही पूछ रहे थे, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी तक मैंने कभी भी कुछ बुरा एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे हमेशा अच्छे ही दोस्त मिले हैं। और मेरे इवन अगर फ्रेंड लिस्ट में अगर काउंट करें तो मेरे जो हिंदू फ्रेंड्स जो होंगे वो 2% होंगे, और 98% मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। तो मेरा हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो जो जो आपने बताया आप इंडिया भी गई हैं, तो वहाँ पे किस तरह से आपको ट्रीट किया उन्होंने जब आप जाती हैं बताती हैं कि वहाँ पे हिंदू रहते हैं, और अक्सर अक्सर जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग बहुत जुल्म करते हैं मुसलमान जो हैं हिंदुओं पे, क्या ये सही है? पहले तो मैम सॉरी अगर करते हैं तो जुल्म कहाँ आपके ऊपर, पे कहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में? सॉरी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। कि क्या मुसलमान हिंदुओं पे बहुत जुल्म करते हैं पाकिस्तान में? मुसलमान हिंदुओं पे नहीं, मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये फोर्सफुली कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि जब तक आपकी अपनी मुट्ठी बंद है तो आपको कोई भी नहीं छेड़ सकता। तो अगर कोई बोल रहा है कि हमें कन्वर्ट किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं दूसरों का नहीं बता सकती। आज तक मुझे कभी ने कुछ ऐसा नहीं किया, ना ही मेरे साथ कभी बुरा सलूक हुआ है। अच्छा, आपको किसी ने कभी कहा नहीं कि आप मुसलमान हो जाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? नहीं इस तरह से तो मतलब नहीं कहा गया, पर मतलब हाँ ऐसे यार फ्रेंड्स फ्रेंड्स अक्सर इस तरह मस्ती मजाक कर लेते हैं कि यार तुम तो मुस्लिम क्यों नहीं हो, तो मतलब इतना कुछ भी नहीं है मेरे साथ ना बुरा एक्सपीरियंस। सही, तंग नहीं किया इवन मेरे आपको? फ्रेंड्स बहुत अच्छे, नहीं मुझे तंग नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब उनका ये होता है कि अगर उनको पता चलता है कि अच्छा मैं हिंदू हूँ, तो उनको इंटरेस्ट होता है, अच्छा तुम लोग दिवाली मनाते हो, अच्छा तुम लोग होली भी करते हो, अच्छा कैसे करते हो, अच्छा हमें इन्वाइट करना। तो मेरा हमेशा से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी कॉलेज लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, और इवन मेरे फ्रेंड्स इतने ज़्यादा अच्छे रहे हैं। जब मैं हॉस्टल लाइफ में थी वहाँ पे अकेली हिंदू थी, तो हमारे हमारा एक फंक्शन आ रहा था दिवाली का, तो उन्होंने मेरे लिए मतलब एक सरप्राइज पार्टी अरेंज की, और मतलब जैसे ही दिवाली स्टार्ट हुई वो सब लोग मेरे रूम में आ गए बहुत सारी स्वीट्स लेके, और मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने होली सेलिब्रेट की है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड ही थी जिन्होंने अपने घर में एक होली फंक्शन अपने मेरे लिए और मेरी दूसरी फ्रेंड थी उनके लिए अरेंज किया, तो मेरा हमेशा से अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा है। ज़बरदस्त। तो बलूचिस्तान में एक तो आपने बताया कि हंगोल पार्क जाना चाहिए और कुनमलीर सबको बहुत एक फेमस जगह है, और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप बताएंगी कि बलूचिस्तान में हमें ज़रूर जाना चाहिए? ज़्यारत ज़्यारत, ओके। और और दूसरा है एक है गोल्डन बीच, गोल्डन बीच, वो गोल्डन रंग का है? नहीं उसको सुनहरी बीच भी कहते हैं, गोल्डन बीच भी कहते हैं। ये एक जगह है सोनमियानी के नाम से, कहाँ पे? वहाँ पे है सोनमियानी, कराची, यहाँ से कराची से मेरे ख्याल से 2 या 1.5 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से। अच्छा, गडानी के पास है? नहीं हाँ गडानी के पास ही है, पर वो गडानी नहीं है, मतलब तो गडानी तो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया है, तो वो थोड़ी सी पीसफुल जगह है। अच्छा, जिन लोगों को हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं मालूम उनको बताएं कि हिंदू वर्ड कहते किसको है। सॉरी मुझे खुद भी नहीं। अच्छा, चलिए सही, मैं बता दूं। जी बिल्कुल अच्छा, हिंदू जो वर्ड है वो बेसिकली सिंध नदी जो है, या रिवर रिवर इंडस जो है, या सिंध सिंध की जो रिवर सिंध है उसका बिगड़ा हुआ नाम है सिंध, जबकि पहले इसको समझिए कि इंदू बोलते थे, इंदू रिवर था ये। तो जो पर्शियंस थे
क्योंकि सबसे रोड जो पानी के इस तरफ जो ज़्यादातर लोग थे, अलेक्ज़ेंडर भी आया था और जो पर्शियन एम्पायर था, वो पानी के इस तरफ वाले जितने लोग थे उनको हिंदू लोग कहते थे। और इसका मतलब ये हुआ कि वो ही बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है हिंदू, और उसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सिंध में जितने लोग रहते हैं, चाहे मुसलमान हो, वो सब हिंदू हैं, क्योंकि नेशनैलिटी है जियोग्राफी के हिसाब से, नॉट बाय रिलीजन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है भाई, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा, जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि बेसिक हिंदुइज्म क्या होता है या आप क्या प्रैक्टिस करती हैं, उनको आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो भी नहीं। पूजा लाइक मेरी पूजा के बारे में, के बारे में बताइए। लोग कहते हैं बुतों को पूजते हैं हिंदू, क्या सही है? यहाँ ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग बुतों की पूजा क्यों करते हो, आप लोग बुतों की पूजा क्यों करते हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मूर्ति जो होती है, हम जिसकी पूजा करते हैं, उनका सामने होना जरूरी नहीं होता। ये हम लोगों ने अपने ना घर में एक जगह बनाई होती है कि मतलब हाँ ये जगह जो है वो एक पीसफुल जगह है, वहां पे जाके हमें पूजा करनी है। तो एक जैसे आप लोगों के पास एक काबा होता है, ठीक है, आप उसकी तरफ देख के आप लोग पूजा करते हो, ठीक है। तो हम लोग वही एक मूर्ति जो है वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये नहीं होता कि हम उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हमारे जो माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है कि मतलब, और उस मूर्ति का होना या ना होना वो जरूरी नहीं होता। देखिए, तो बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का कि हाँ, आप जो हिंदू हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। अभी जैसे हम हिंदू में भी बहुत सारे हिंदू होते हैं, ठीक है। एक हम हिंदू में होते हैं सिख, जो जिनकी हमारी होली बुक होती है, वो मंदिर में वो होली बुक रखते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। और ग्रंथ हम लोग साहब, जैसे हैं, हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब का नाम नाम से है वो, ठीक है, इवन हम भी करते हैं। पर मूर्ति का होना या ना होना जरूरी नहीं है वो हमारे लिए, क्योंकि जब भी हमारी कुछ किसी प्रे का टाइम होता है, जैसे अब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तो अब मुझे पता होता है कि मेरी पूजा का टाइम हो गया, तो उस वक्त मैं ये नहीं ढूंढ रही होती कि हाँ मूर्ति कहाँ है पूजा करूँ। जो मेरा टाइमिंग होता है मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ और अपनी पूजा कर लेती हूँ। अच्छा जी। और कोई चीज़ आप पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों को कोई मैसेज अपना देना चाहेंगे? मुझे पता है मैं कोई भी मैसेज दूंगी मानेगा तो कोई भी नहीं, हर कोई किसी को बात वही नहीं, करना है जो वो हमारा खुद काम कर मैसेज रहा देना है, आप छोड़ें को माने ना माने, ये है। उनका काम। तो बस ये कि मतलब आराम से रहें, दूसरों को मत बोलें कि ये हिंदू हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो हर बंदा अपनी मर्जी से हो रहा है, कोई किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि आप हिंदू हो जाओ, या कोई आपके घर में आके वो बंदूक नहीं लेके होता, नहीं लेके आता कि यार आप मुसलमान हो जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, अपना अपना कंफर्ट जोन से बाहर आई। मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत सारे सैकड़ों लोग आपको फेसबुक पे मैसेज करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुके भेजेंगे। हैं। घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ये आपके फॉलोअर बन जाएंगे। आप उनके उनसे हफ्ते में एक दफ़ा जो है कोई अच्छी बात शेयर किया कीजिए अपनी वॉल पे, जाके लोग देख सकें। अगर आप मुनासिब समझे तो उनको इंटरव्यू दें। मकसद इसका यह है कि अक्सर मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं वो कभी किसी हिंदू से नहीं मिले होते, कभी किसी हिंदू से बात नहीं की होती। फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके हम बात फिर भी कर लेते हैं, दिल की बात फिर भी बोल देते हैं, सामने तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। तो इसका, और अगर हो सके तो आपके साथ हम एक मीटअप रखेंगे, जाके और जो बच्चे आपसे मिलना चाहें, और भी आपके दोस्त भाई बहनें, उनको लेके आएँ, किसी मंदिर में हमारी दावत शावत करें, हम भी पकौड़े लेके आ जाएंगे, खाना लेके आ जाएंगे। यू कैन सिट टुगेदर एंड हैव फन एंड हैव फूड एंड चाय। हम देख सकेंगे कि मुझे नहीं मालूम अब कौन से मंदिर में जाती हैं, कि तो वहाँ पे हम देख सकेंगे, समझ सकेंगे, और जो दूरियाँ हैं एक दूसरे की वो हम मिटा सकेंगे। और मैं आपको दावत दूंगा कि जो आप अगर चलना चाहें, आपके दोस्त चलना चाहें, तो मैं आपको मस्जिद की टूर कराऊंगा, दिखाऊंगा। आई वुड लव टू यू नो टेक यू अराउंड एंड सी कि किस तरीके से हम क्या प्रैक्टिस करते हैं और कितनी कॉमनैलिटीज़ हैं। थैंक यू अगेन डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, आपको बहुत बहुत प्यार, आपके वालदैन को बहुत बहुत दुआएं, आपको बहुत बहुत दुआएं कि आपने उन्होंने एक इतनी कॉन्फिडेंट हमारे लिए एक और पाकिस्तानी जो है वो बनाई। और आपसे हम मैं तो बहुत मुझे मैं प्राउड हूँ आपसे मिलके, मुझे बहुत खुशी हुई। अपना ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने डॉक्टर साहिबा से मुलाकात करी, आपने देखा कि ये एक हिंदू हैं, लेकिन ख़त्म जब करती हैं बात तो अल्लाह हाफिज़ से करती हैं और अस्सलाम वालेकुम से इब्तिदा करती हैं। तो
ये हमारे पाकिस्तानी हैं, इनको हम नहीं जानते, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हम जो है पाकिस्तान में हमारा जो झंडा है उसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो गैर मुस्लिमों के लिए है और वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के मुसलमान पाकिस्तानी। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।